झांसी में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे झांसी महानगर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। झांसी की बड़ी ईदगाह में मुफ्ती साबिर काजमी ने हजारों नमाजियों को ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाजियों ने जहां देश में अमन व चैन की दुआ के लिए हाथ उठाया, तो वहीं बकरीद पर कुर्बानी का भी महत्व होता है। नमाज की अदा करने के बाद कुर्बानी दी जाती है, जिसमें तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए और तीसरा हिस्सा किसी गरीब को दिया जाता है। ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर झांसी जिलाधिकारी और SSP ईदगाह पर मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद उल अजहा है और आज कुर्बानी पेश होती है। अल्लाह ताला आज मेजबान है और तमाम बंदे अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक दस्तरखान वसी होता है, उसमें हर एक इससे फ़ायदा उठाता है। और मैं अपनी तरफ से तमाम मुल्क के हर बाशिंदे को, हर मानवता को, हर इंसान को तहे दिल से ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान और शांति कायम करवाए। आज झांसी जनपद में मैं और DM साहब द्वारा अभी पूरा भ्रमण ठीक है। बकरीद त्यौहार को लेकर ईद उल जुहा कहते हैं, हर मस्जिद में अलग अलग टाइम है। अभी हम लोग बड़ी जगह पे है, जो अभी 7.5 साल में शुरू हो गई है। साफ सफाई और सुरक्षा दृष्टिकोण से हर पहलू से पहले से हम लोग मीटिंग करके सबको निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में आज हम लोग अभी भ्रमणशील है और सुरक्षा व्यवस्था को लेके हर जगह हम लोग तैनात कर रखा है। QRT विभिन्न स्थानों पर QRT और रिजर्व का पोस्ट भी हम लोग रखे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, जिस तरह हम लोग तैयार किए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आज का पर्व है, ऐसा कुछ संपन्न होगा।